पेयजल लाइन में लीकेज, बर्बाद हो रहा पानी, अधिकारी जल्द करे समाधान, समाज सेवी रमेश राठी। पानी की कई महीनों पहले डाली गई मेनलाइन लीकेज, रमेश राठी। बहादुरगढ़ सदर थाने के सामने समेत कई जगहों पर हो रहा पानी लीकेज, प्रशासन व अधिकारी करे समाधान, समाज सेवी रमेश राठी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में पेयजल लीकेज लाइनें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। शहर के दिल्ली रोहतक रोड नजदीक मेट्रो पुल नंबर 819 व बहादुरगढ़ शहर के सदर थाने के सामने पानी की मेन पाइप लाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रही है। यह बात समाज सेवी रमेश राठी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ गर्मी के कारण लोगों को पानी की समस्या पैदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर में पेयजल लाइन में लीकेज होने से पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं लोगों को पेयजल के लिए प्रेशर की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ शहर में विभिन्न जगह की पेयजल लाइनें काफी पुरानी हो चुकी हैं। लंबे समय से इनको बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन इन्हें बदला नहीं जा सका है, जिस कारण लगातार लाइनों के लीकेज होने के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही से समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि लीकेज की वजह से काफी पानी बर्बाद हो रहा है, इस कारण क्षेत्र में लो प्रेशर की समस्या भी बन गई है। ऐसी स्थिति में लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। समाज सेवी रमेश राठी ने कहा कि अमृत योजना के तहत शहर में डाली गई पानी की लाइन में जगह जगह हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर में जगह जगह गड्ढे हैं। प्रशासन, विभागीय अधिकारी जल्द से जल्द पानी लीकेज की समस्या का समाधान करें ताकि पानी बर्बादी को रोका जा सके।